एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे एसबीआई इलेक्टोरल बोर्ड की आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की बात थी एसबीआई की तरफ से, वो 5 PM तक का टाइमिंग था। उसके अंदर क्या नया आउटकम निकल के आया है, सेबी की तरफ से T+0 सेटलमेंट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, वो क्या है? ठीक है, यूएस की और इंडिया की सीपीआई महंगाई का जो डेटा है वो आ चुका है। और मैंने आपको बोला था वीकली एनालिसिस के जो ट्रिगर के वीडियो थे उसके अंदर कि 12 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन इंडिया का महंगाई का डेटा, अमेरिका का महंगाई का डेटा आने वाला है। तो ये तो है ही, साथ में इसके साथ में बहुत सारी न्यूज आपके सामने है, तो ये भी चीज हो गया। और एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने अपने ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस थे उनके अंदर भी कटौती की है। आईटीसी के लिए रिगार्डिंग क्या न्यूज है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंदर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, और इसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पे देख सकते हो। और यहां पे इंफॉर्मेशन तो है ही, कल भी मैंने आपको समझाया था, वो भी चीज आपको बताई थी। तो अब इसके अंदर ये हुआ था कि कल एसबीआई को फटकार लगी थी कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस करे सुप्रीम कोर्ट के पास में, क्योंकि जो वोटर हैं उनको राइट है कि जो पार्टी है जिसको हम वोट देने जा रहे हैं उसने कितना चंदा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें तो एसबीआई ने एक या गवर्नमेंट ने एक ऐसी बात कर रखी थी एसबीआई के साथ में कि कोई भी एक यहाँ पे बॉन्ड है वो एसबीआई एक जारी कर सकता है, और उस बॉन्ड को क्या किया जाएगा कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी आदमी है वो अनोनिमस तरीके से बॉन्ड को बाइंग कर सकता है, और उस बॉन्ड को बाइंग करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने रिडीम किया है वो भी अनोनिमस ही रहने वाली है। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को राइट है कि किसने तो ये यहाँ पे बॉन्ड बाइंग किया और किस पार्टी ने उस यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम किया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली थी, लेकिन एसबीआई ने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पिछले 6 महीने से यहाँ पे उसको नहीं दी है, और कल यहाँ पे इसका यहाँ पे 24 आवर का इसको टाइमिंग दिया गया था। तो उसके बाद में अब आप देखोगे, ठीक है, जो मैंने आपको कल बोला था कोर्ट के अंदर ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एसबीआई ये इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है तो एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस है वो किया जाएगा, और ये बहुत खराब सिचुएशन होगी इंडियन मार्केट के लिए, इंडिया की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की सह के बिना एसबीआई चेयरमैन साहब ये नहीं कर सकते, ये गारंटी की बात है, एक तरीके से आप इसको खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये सारी चीजें हो गई, टाइमिंग है वो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ चीजें नहीं आई। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने तो एसबीआई ने क्या किया होगा, इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट का केस चला दिया होगा। लेकिन अभी ये जो खबर निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की बार है, ठीक है, जो यहाँ पे उनके एडवोकेट्स की जो बार है, बार एसोसिएशन है, उन्होंने उनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति जो है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी उनको एक लेटर लिखा है, और उसमें कहा है, ठीक है, आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, उस लेटर के अंदर कहा है कि ये राष्ट्रपति के संदर्भ में इसको लिया जाना चाहिए, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए उसको राष्ट्रपति के संदर्भ में लिया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति के संदर्भ में लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन या वर्डिक्ट देता है उसको राष्ट्रपति संदर्भ में मान करके लागू ना किया जाए जब तक राष्ट्रपति संदर्भ का जो मामला है उसकी सुनवाई ना हो जाए। तो ये इसके अंदर रोड़ा अटकाया जा रहा है,
ताकि जो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक है, वो मामला है, वो थोड़ा सा खिंच जाए और ये चुनाव हो जाए, उसके बाद में जब पार्टी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है, एसबीआई बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये चीज क्यों नहीं हुई, इसका बीजेपी के साथ में कांटेक्ट है, अगर ये जो यहाँ पे ऐसा होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसको एक्सेप्ट करती हैं तो हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन यही खबर इसके अंदर निकल के आई है, बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल करके नहीं आ रही है। जब भी कोई आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज है वो आई है इंडिया का सीपीआई का डेटा, ठीक है, इंडिया का सीपीआई का डेटा की अगर हम बात करें तो यहां पे इंडिया के सीपीआई की डेटा यहाँ पे जो फोरकास्ट किया गया था वो किया गया था 5.02% का, ठीक है, और पहले आया था 5.10% का, ठीक है, ये प्रीवियस आया था एक्चुअल में। तो आप देखोगे कि अभी प्रीवियस से तो ये घट के आया है, 5.09 आया है, लेकिन फोरकास्ट किया गया था उससे काफी ऊपर है, ठीक है, काफी तो ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन ऊपर है। तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल तरीके से कि जो रेट कट है, ठीक है, जैसे कि रेट कट की हम बात करें कि जून जुलाई के अंदर यहाँ पे रेट कट होना था, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा 15-20 दिन महीने तक खिसक जाए, इस टाइप का ये डेटा आया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फरवरी का जो यहाँ पे डेटा है इन्फ्लेशन का 5.09 आया है, और खाद्य महंगाई है वो 8.30 से बढ़कर के 8.66% हुआ है। ग्रामीण महंगाई दर है वो बिना बदलाव के रहा है। शहरी महंगाई दर है वो 4.92 से घटकर 4.78 आया है, और सीपीआई का कोर जो महंगाई दर है वो 3.6 से घटकर के 3.3% आया है। तो इन्फ्लेशन का डेटा है वो फर्स्ट तरीके से देखोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाओगे तो थोड़ा ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है, इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इम्पैक्ट किससे पड़ेगा तो वो है हमारा यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आपके सामने है और वो आ चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन क्या आई है। तो इन्फ्लेशन आप देखोगे कि फोरकास्ट किया गया था 3.1% का, पहले आई थी 3.1%, अभी आप देखोगे पिछले फरवरी के अंदर थी, अभी 3.2% आई है, यानी कि ये फोरकास्ट से भी ज्यादा आ गया और जो एक्चुअल था, ठीक है, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़कर के आ गई। तो जो जेरोम पावेल साहब ने यूएस की कांग्रेस के अंदर कहा था कि इन डेटा को देख करके मैं हम रेट कट को डिसाइड करूंगा, तो डेटा यहाँ पे रेट कट के पक्ष में नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये फूड इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज होके आई हो, लेकिन इन्फ्लेशन तो थोड़ा इंक्रीज होके आई है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये एक इंट्राडे की तरफ से आप इसके अंदर सेंटिमेंटल तरीके से देख सकते हो, इतना ही इसका इंपोर्टेंस है, ज्यादा इसका इंपोर्टेंस नहीं है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, तो कल इसकी यहाँ पे न्यूज है, एनालिसिस है, वो आपको प्रोवाइड और कर दी जाएगी कि इसको अमेरिकन मार्केट ने कैसे लिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा कुछ भी आए, मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है वो गॉड है, वो इसको अच्छा मानेगा तो हम भी अच्छा मान लेंगे, वो इसको खराब मानेगा तो हम भी खराब मानेंगे, क्योंकि मार्केट के ऊपर हम नहीं है, मार्केट हमारे ऊपर है। तो ये डेटा हो गया, एक न्यूज हो गई ये वाली। इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आईटीसी को लेकर के, ठीक है, और आईटीसी को लेकर की क्या न्यूज है, आईटीसी के अंदर दबाव बना, ठीक है, हालांकि आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत टॉप क्लास की कंपनी है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे गिरावट क्यों हुई और क्या ये और थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 महीने में 10% ये शेयर गिर चुका है, रिकॉर्ड से 20% शेयर है वो गिर चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है 20% गिरना, ठीक है। अब क्यों है तो देखो, बैट है, और बैट की बात करें तो ये है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे कंपनी आप मान सकते हो, इसका हिस्सा है आईटीसी के शेयर के अंदर, ठीक है, तो अब ये हिस्सा है वो बेच सकती है, अब ये ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच सकती है, और इस वीक के अंदर जो ब्लॉक डील हो सकती है उसके अंदर करीबन 4% का हिस्सा है वो बेच सकती है बैट आईटीसी में। तो ये जो हिस्सा बेचेगी वो थोड़ा सा डिस्काउंट के ऊपर होगा, तो आईटीसी का शेयर नियर टाइम के अंदर यहां पे इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब ये हिस्सा आप देख सकते हो, टोटल आप देख सकते हो कि 16,500 करोड़ से लेकर के 24,800 करोड़ रुपए तक यहाँ पे बैट है वो यहाँ पे क्या कर सकती है, हिस्सा बिक्री कर सकती है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन जब तक आप देखोगे कि बैट की टोटल जो बिक्री है वो होनी है वो नहीं हो जाती, तब तक आईटीसी का शेयर जब जब ऊपर जाएगा फिर से इसके अंदर बिकवाली होगी, जब ऊपर जाएगा फिर से इसके अंदर बिकवाली होगी। लेकिन आप देखोगे जब एक बार बिकवाली होगी ना, उसके बाद में आईटीसी के अंदर बहुत अच्छी तेजी बनेगी, और यहां पे जब आईटीसी का आप 400 के पास में देख रहे हो ना, ये 800 भी जाएगा, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, ये 1 साल में जा सकता है या 2 साल में जा सकता है, तो आपको देखना है, बहुत अच्छा शेयर है।
देखना यह है कि ब्लॉक डील हो तो ये ब्लॉक डील के अंदर सामने वाला जो बायर है वो कौन है। अब बायर की बात करें तो जो GQG पार्टनर्स है, ठीक है, वो हमें निकल करके नाम निकल करके सामने आ रहा है, एक न्यूज है कि GQG पार्टनर्स है वो थोड़ा सा बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके के कोई इन्वेस्टर आते हैं तो बहुत अच्छी खबर होगी फिर से ITC के लिए, और ITC का वापस से काफी अच्छा ऊपर के अंदर प्राइस हो सकता है। तो ये सारी की सारी खबर हो गई। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जब भी इसके अंदर ब्लॉक डील हो डिस्काउंटेड प्राइस पे तब आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो न्यूज है कि T+1 सेटलमेंट लागू कर दिया गया है, तो ये कब लागू होगा एक्चुअल में तो आपको बताना चाहिए कि देखो पहले T+3 का सेटलमेंट डे था, ठीक है, यानी कि कोई भी आप शेयर मंडे को बाइंग करते थे ना तो मंडे आपका ट्रांजेक्शन डे था, उसके बाद में ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया। तो ये आप देखोगे कि T+1 हो गया, T+2 हो गया और T+3 डे, ठीक है। तो इस दिन जाकर के आपका सेटलमेंट होता था, उसके बाद में T+2 किया गया, अभी T+1 चल रहा है। और अब यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि 28 मार्च से ये हालांकि ऑप्शनल होगा, लेकिन इसको ऑप्शनल लागू करने के बाद में T+1 जो यहाँ पे ऑप्शनल लागू किया जा रहा है उसको ट्रायल बेसिस पे एक बार किया जा रहा है, उसके बाद में अगर ये अच्छा रहा तो इसको परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो T+0 यहाँ पे ट्रेड साइकिल है वो सेटलमेंट शुरू किया जाएगा। यानी कि क्या होगा कि आपने आज मंडे को कोई सेम शेयर बाइंग किए तो आपका आज के आज ही सेटलमेंट कर दिया जाएगा, आपके डीमैट में भी आ जाएंगे, या फिर आपने कोई शेयर यहाँ पे सेल किए तो आपके डीमैट से सेटलमेंट भी कर दिया जाएगा, शेयर चले भी जाएंगे और आपका सेटलमेंट भी रात में कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो फास्ट तरीके से हो रहा है काम ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके चलते हुए यहाँ पे जो MV है जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ में यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच ने यहाँ पे एक बातचीत हो रही थी उसके अंदर ये जानकारी दी है। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल होती है या फिर T+1 ही यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ऑप्शनल तरीके से लागू किया जाएगा लेकिन ये बहुत जल्दी से क्या हो सकता है इसको परमानेंट कर दिया जा सकता है। तो अगर परमानेंट होता है तो भी एक अच्छी चीज होगी क्योंकि आपका पैसा है वो ज्यादा दिन तक फंसा हुआ नहीं रहेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है NSE की तरफ से, ठीक है। और NSE की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसकी तरफ से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि NSE ने कैश और डेरिवेटिव के अंदर जो ट्रांजेक्शन चार्ज लेता था NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उसके अंदर 1% की कटौती है वो की है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन चार्ज से घटाए हैं 1%। इससे NSE की जो टोटल जो रेवेन्यू है उसके ऊपर 130 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या होने वाला है फर्क पड़ने वाला है सालाना। तो 130 करोड़ रुपए कम आएगी एक तरीके से इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये 1% यहाँ पे कम किया है, ठीक है, 130 करोड़ का यहाँ पे इसका इंपैक्ट होगा। और ये कब से लागू होगा, तो ये 1 अप्रैल से ये जो यहाँ पे अभी कम जो चार्ज कर दिए गए हैं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन चार्जेज है रेट है वो कम लगेंगे, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ट्रांजेक्शन चार्ज पर GST 18% लगता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो चार्जेस थे, ठीक है, पहले ये चार्ज लगता था कैश के अंदर, आप देखोगे कि 0.00325% यहाँ पे चार्ज लगता था कैश के अंदर, अभी यहाँ पे इसको घटा करके 0.00322% कर दिया गया है। फ्यूचर्स के अंदर आप देखोगे कि 0.0019% कर दिया गया है, सॉरी पहले ये लगता था अब इसको 0.00188 कर दिया है। इसके बाद में ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो 0.05% पहले लगता था अभी 0.495% कर दिया है। हालांकि बहुत कम किया है लेकिन फिर भी इसको कम किया गया है। और ये कम क्यों कम करने से क्या होगा, ठीक है, कम करने से आप देखोगे कि जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो उसके चार्जेज हैं वो पहले से ज्यादा थे और उसने चार्जेस को रिवाइज भी नहीं किया, ठीक है, और रिवाइज नहीं किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके चार्जेस के वजह से और वहां पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। BSE के चार्जेज ये हैं और NSE के चार्जेज ये हैं, आपके सामने कैश फ्यूचर्स और ऑप्शंस के चार्जेज यहाँ पे लगे हुए हैं तो इनको आप देख सकते हो। अभी आप देखोगे कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन है वो करते हो मान लो, तो पहले आपके कैश के अंदर 325 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लगता था, अभी 322 रुपए लगेगा। फ्यूचर्स के अंदर 190 रुपए लगता था, अभी 188 रुपए लगेगा। और ऑप्शंस के अंदर 5,000 रुपए लगता था, वो 4,950 रुपए लगेगा। हालांकि आपको दिख कम रहे होंगे लेकिन जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर करते हैं तो ये यहाँ पे चार्जेज है उनके लिए बेनिफिशियल है। और इसके चलते हुए यहाँ पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी BSE है उसने अभी रिवाइज नहीं किए, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हालांकि कैश के अंदर थोड़ा काम ज्यादा होता था दोनों के अंदर,
तो वहां से जो बीएसई है उसको इसका इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। उसका शेयर है वो एक बार की 6% भी नीचे चला गया था, और फिर बाद में थोड़ा देखा कि इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे तो वापस से रिकवरी भी हुई है। तो ये यहाँ पे जो एनएसई है उसने चार्जेस कम किए, इनकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो आशा करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे इंटर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मिलते हैं।